गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 2024 और 24 मई में। तो आज सुबह की 7 बज रहा है, 7 बजे ही इतना ही धूप निकला है कि क्या कहें। 31 डिग्री चल रहा है, 7 बजे के सूरज दिखे कितना ऊपर चले गए हैं। तो आज का वीडियो में आप लोगों को नेचुरल गांव का दृश्य देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज एक दूसरे वीडियो में। तो आज मैं एक जगह मेरा गांव से दूसरा गांव में जाने वाला हूं, लगभग 8 से 10 किलोमीटर होगा। तो अभी गांव से अभी निकल चुका हूं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहां हूं, हमारे यहां गोलंडी रिवर है, यहां पर अभी हूं। तो मैं इस तरफ रोड से आया था और मैं इस तरफ जाऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखिए, यहाँ का नेचुरल गाँव का व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी धूप बहुत ही निकल गया है, शायद 30-31 था मैं घर में जब था, दो तीन टाइम में था 31 था, अभी शायद ज़्यादा ही हो गया जैसा लग रहा है। बहुत धूप है आज। तो मैं अभी साइकिल से जाऊंगा, तो एक थोड़ा काम है, वहाँ फ्रेंड का घर भी है, फ्रेंड से भी मतलब मुलाकात होगा और आप लोगों को यहाँ का गांव का नेचुरल व्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, चलिए आगे। और इस गोलंडी रिवर में जो अभी दिख रहे हैं ना, सूखी पूरा मिट्टी और रेत दिखाई दे रहा है। अभी मतलब पानी नहीं आता है, जो बरसात के दिन में जो जनवरी फरवरी मार्च जैसे में पूरा पानी होता है, इसमें पूरा बाढ़ आ जाता है। देखिए अभी कैसा बांध लगाए हैं वो। तो रिवर ज़्यादा दिन नहीं हो गया है बने हुए, मतलब अभी 3 से 4 साल जैसा हो गया अभी ये, नहीं तो पूरा ऐसे ही खुला था, लोग ऐसे ही नीचे से जाते थे। तो चलिए, इस ब्रिज के बारे में कुछ बोलना था आप लोगों को बोल दिया, तो आगे जाते हैं गांव का नेचुरल व्यू। आप लोग अगर गांव से है तो अच्छा ही लगेगा, टाउन से भी हो गए से, अगर सिटी से भी होने से भी अच्छा ही लगेगा। तो चलिए देखिए गांव का नेचुरल व्यू। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल अभी हूँ यहाँ पे, कालाझार बोलते हैं इस गांव का नाम। तो अभी बहुत ही धूप, बहुत गर्मी हो रहा है, अभी 35-34 अभी यहाँ पर गर्मी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पर थोड़ा छाया पे रुका हूँ, यहाँ पर शीतल पे अभी हूँ। तो मैं इस तरफ से आया है अभी, तो अभी ये देख रहे हैं चारों तरफ जंगल का रास्ता है, ये इधर साइड में ये कैनल है, इसमें आपको आगे जाके दिखाऊंगा मैं वो। तो मैं यहाँ से आया था तो एक वहाँ पर मंदिर मिला था, मैं वहाँ पर नहीं घुसा क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से। तो कभी आप लोगों को दिखा दूंगा मैं वहाँ का जो राम मंदिर है, वहाँ पे राम मंदिर हनुमान मंदिर है। तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो चलिए देखिए। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं किस काम से लिए इतना दूर मतलब साइकिल से आया हूँ। तो ये मेरा उंगली देख रहे हैं ना, तो थोड़ा चोट आ गया था, मतलब क्रिकेट खेलकर जो बल से लग गया था यहाँ पर, मतलब हड्डी थोड़ा टूट गया है। तो इससे हम लोग का गांव में जो हड्डी बैठाते हैं ना, गाँव में जो बेज बोलते हैं, जो हड्डी को बैठाते हैं, वो दवा लगा कर बांध देते हैं, उन्हीं के पास आया था। तो इस तरफ में गया था तो उन्होंने अभी दवा लगा कर बांध दिए हैं। तो अभी इसको रखने के लिए बोला है, ऐसे बांधे रखने कम से कम 15 से 20 दिन, तो फिर आना पड़ेगा। तो फिर आऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर वो ब्लॉग में वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो लोग एग्री नहीं करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो नहीं बनाया। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पर रुका था, अभी साइकिल पर हूँ, तो चलिए
यहाँ से आगे का दृश्य आप लोगों का, यहाँ गांव का वो नेचुरल दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ गांव का ये नज़ारा दृश्य। अभी यहाँ जो रोड देख रहे हैं आप लोग, ये रोड तो मतलब इतना पहले तो इतना अच्छा नहीं था, बहुत गड्ढा था, अभी तो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर एक केनल है, वो आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ये जंगल से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग का वहाँ पे कैसा गर्मी है, आप लोग कौन कौन जगह से है कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों का वीडियो सामने जा रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैं उस तरफ से आया था, वहाँ का जो मैंने आया था वहाँ का रोड तो बहुत अच्छा ही है। तो दोस्तों मैंने बोला था आप लोगों को केनल है यहाँ पर एक, ये देखिए जंगल से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं अगर इस साइड नहीं जाऊंगा आप लोगों के दिखाने के लिए आ गया। तो चलिए, इस तरफ मेरा घर है, इस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर चार रोड है, इस तरफ गया था मैं, किस तरफ भी जा सकते हैं, उदलगुड़ी और वो भैरवकुंडा का रोड मिलेगा। इधर जाने से भी आप लोग अरुणाचल भूटान जा सकते हैं, हम जाएंगे इधर इस रोड से। तो चलिए, तो दोस्तों गांव का नज़ारा दिखा रहा हूं आप लोगों, क्योंकि मैं साइकिल से आया हूं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ऐसे 8 से 10 किलोमीटर जैसा होगा मेरे घर से। तो गांव का हरियाली दृश्य, चारों तरफ पेड़। तो चलिए, तो दोस्तों मैं अभी रिटर्न हो चुका हूँ, इधर इस रोड से आ रहा हूँ अभी। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ये रबड़ का पेड़ है, इस रबड़ का जो रस निकलता है ना, इसमें से जो वो टायर बनता है, तो उसका ही पेड़ है ये। तो चलिए, बहुत गर्मी हो रहा है, धूप ज़्यादा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए। तो चलो, तो दोस्तों ये सब रबड़ का पेड़ है, इस पेड़ से ही जो रस निकलता है उसी से जो टायर बनता है, ये सब रबड़ का पेड़ है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल अभी घर आ पहुँच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, अभी 1 बज के ज़्यादा ही हो गया है। तो बहुत गर्मी से मतलब वहाँ पर दोस्त के एक घर में रुका था, वहाँ पर वहाँ का वीडियो तो नहीं बनाया, तो अभी घर आ गया हूँ, देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था, छोटा मोटा एक वीडियो बनाया आप लोगों के, जो मतलब जो था वो दिखाया। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। आज तो IPL सेकेंड क्वालिफायर और सेमीफाइनल, जैसे सेमीफाइनल है SRS और RR, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। तो आज का मैच कौन जीतता है तो कमेंट करिए। और आज का वीडियो में बस इतना ही था, मिलूंगा एक दूसरे वीडियो के साथ, आज तक इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय।